दोस्तों, दुबई का तरक्की में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पिछले दो दशकों में दुबई ने जितनी तरक्की की है, पूरी दुनिया में उतनी तरक्की कोई शहर नहीं कर सका। और इस तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का। जी हां, उनके विजन के चलते ही दुबई ने इतनी तरक्की की और आज पूरी दुनिया में दुबई का नाम मशहूर है। लेकिन इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि शेख साहब का एक सपना आज भी अधूरा है? जी हां, सही सुना आपने। और इस सपने या कहे प्रोजेक्ट का नाम है दुबई का आर्टिफिशियल आइलैंड द वर्ल्ड, जो कि आज भी खाली पड़ा है। आज हम आपको इसके खाली होने के 5 कारण और यह कब तक बनकर तैयार होगा आपको बताते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कीमत। दोस्तों, साल 2003 में शेख साहब ने इस प्रोजेक्ट का अनावरण किया और सितंबर 2003 से इस पर काम शुरू हो गया। 2008 तक इसके लगभग 60% आइलैंड बिक चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये काफी महंगे थे, इतने महंगे कि मिलियनेयर को भी यहाँ आइलैंड लेने से पहले कई बार सोचना पड़ा। हर एक आइलैंड की रेंज 2.5 लाख स्क्वायर फीट से 9 लाख स्क्वायर फीट रखी गई। अगर आप यहाँ का सबसे छोटा आइलैंड भी खरीदते तो वह लगभग 15 मिलियन डॉलर्स का पड़ता, यानी कि लगभग 115 करोड़ रुपए। और बड़े आइलैंड की बात करें तो वह 50 मिलियन डॉलर्स का था, यानी करीब 380 करोड़ रुपए। डिज़ाइन एंड कॉस्ट। दोस्तों, इन आइलैंड के खाली होने का एक कारण इसका डिज़ाइन भी है। शुरुआत में इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़ चढ़कर की गई और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई। पृथ्वी के शेप में बनाए जाने वाले इन आइलैंड पर जब इन्वेस्टर ने अपनी दिलचस्पी दिखाई तो इस प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज भी अनाउंस कर दिया गया, यानी कि द वर्ल्ड को अब द यूनिवर्स का रूप देने को अनाउंस किया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कई लाखों टन चट्टान और रेत को गल्फ से निकालकर फिर उसे यहाँ लाना और इसे पृथ्वी का आकार देना बहुत मुश्किल था। इस असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट का पहला चरण 2006 में पूरा हो गया, लेकिन केवल इसी में 14 बिलियन डॉलर्स की लागत आ गई थी। और इसके बाद साल 2008 में इसकी ओपनिंग में पानी की तरह पैसा बहाया गया, जबकि 14-15 बिलियन डॉलर्स खर्च होने के बाद भी एक ही आइलैंड डेवलप हुआ था। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों, ये वो समय था जब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। इस संकट ने दुबई की अर्थव्यवस्था को हिला डाला। तेल की कीमत, स्टॉक मार्केट, बैंक, हर चीज इससे प्रभावित हुआ और दुबई कर्ज में चला गया। इससे प्रवासी मजदूरों को भी काम से हटा दिया गया और दुबई में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। इसी के चलते बहुत से प्राइवेट इन्वेस्टर ने वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर दिए। इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कब होगा ये भी किसी को नहीं मालूम था। फिर अबू धाबी ने दुबई को अपने कर्ज को कम करने के लिए 20 बिलियन डॉलर्स दिए और रुकी हुई परियोजनाओं में काम चालू करने के लिए 10 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा देने की पेशकश की। इसके बाद धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन समस्याएं आज भी जारी हैं, जैसे कि रियल इस्टेट और घरों की कीमतों में गिरावट आना। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट को रीलॉन्च करने के लिए कई निवेशक आगे आ रहे हैं। अर्थ के डिजाइन को मद्देनजर रखकर बनाया गया यह प्रोजेक्ट अर्थ के विपरीत चला गया। द वर्ल्ड एट रिस्क ऑफ सिंकिंग। दोस्तों, मरीन कंपनी पेंगुइन मरीन ने ये चेतावनी दी कि ये सभी आइलैंड डूब रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई तस्वीरों को एविडेंस के तौर पर पेश किया, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपर नाखिल प्रॉपर्टीज ने सारे एलिगेशन को झूठा बताया और वे केस जीत गए। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि कैसे समंदर इन आइलैंड और दुबई के बीचेस को निगल रहा। 2017 में अबू धाबी एनवायरनमेंट एजेंसी ने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल 9 मीटर तक बढ़ सकता है, जो कि दुबई के आइलैंड के लिए विनाशकारी होगा। बुरे हालातों में आइलैंड में लगाए गए वेव ब्रेकर भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ये केवल छोटी वेव्स को ही संभाल सकते थे। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार पाम जुमेरा भी 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से डूब रहा। इसमें लगे करीब 14 बिलियन डॉलर्स धीरे धीरे डूब रहे हैं।
दोस्तों तरह तरह की दिक्कतों के बाद भी इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी नाखिल प्रॉपर्टीज ने हार नहीं मानी और वह पूरी तरह से इसे पूरा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नाखिल प्रॉपर्टीज के अनुसार वे इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कंप्लीट कर लेंगे। आपको बता दें 300 आइलैंड में से 9 को अभी तक डेवलप कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा हो जाएगा या इस पर रोक लगानी चाहिए? आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।